गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ओके ओके, तो लास्ट क्लास में हमने सर्किल स्टार्ट किया था, राइट? और सर्किल में कुछ क्वेश्चंस और हम कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन किया था, और मैंने आपको प्रैक्टिस से 3.2 दिया था, जिसका सॉल्यूशन मैंने आपको कराया भी था। तो आपने उसको दोबारा से बनाया, बताइए, आपने उसको दोबारा से बनाया? ओके ओके, तो अब हम लोग आगे ना प्रोसीड करेंगे। 1 मिनट, प्लीज वेट। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, नाउ स्क्रीन इज विजिबल। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने कॉन्ग्रुएंस ऑफ आर्क के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना? क्या पढ़ा था उसमें? उसमें हमने यह देखा था कि अगर हमारे पास टू सर्किल्स हैं, टू सर्किल कुछ इस तरीके से हैं। किस तरीके से? मैं एक सर्किल बता रहा हूँ, ये सर्किल है आपके पास, दिस इज योर सर्किल। ओके, एंड इसको इससे मैं क्या कर रहा हूँ, एक छोटा सा सर्किल ले रहा हूँ और एक और मैं रेडियस ड्रॉ कर रहा हूँ। हमारे पास टू सर्किल्स हो गए, और टू सर्किल्स होने के बाद इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके से कुछ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन दोनों सर्किल्स के लिए, कौन से दोनों सर्किल्स आपके पास? ये टू सर्किल्स हैं, ठीक है? एक व्हाइट कलर का है और एक रेड कलर का है। तो इन टू सर्किल्स में दोनों का एंगल सेम है, आर्क का जो एंगल्स हैं वो दोनों का सेम है। देख पा रहे हैं ना? देख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? दोनों का जो आर्क है जो सेम है। तो इस सेम होने के क्या फायदे हैं? सेम होने का यह फायदा है कि हम लोग एंगल और रेडियस की हेल्प से दिस एंगल और ये जो एंगल है हमारे पास, दिस एंगल और रेडियस की हेल्प से हम लोग इसका लेंथ निकाल सकते हैं। वो आगे देखेंगे कैसे निकालते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ तक हमने देखा था, क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग समझ पाएंगे कैसे क्या है। इसके बाद कुछ अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन से आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, ठीक है? देखिए, सबसे पहले एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ए बी सी आर एनी पॉइंट्स ऑन द सर्किल विद सेंटर ओ। तो एक सर्किल है, जिस उस सर्किल पे क्या है, हमारे पास ए बी सी पॉइंट्स हैं, और ए बी सी पॉइंट्स हैं, अच्छी बात है। तो राइट द नेम्स ऑफ ऑल आर्क्स फॉर्म ड्यू टू दीज पॉइंट्स। ओके, और इसमें क्या पूछा गया है कि जो सर्किल है, यहाँ पे कौन सा सर्किल है, इस सर्किल पे जो हमारा ये सर्किल है, इस सर्किल पे बहुत सारे आर्क हैं। कौन कौन से आर्क हैं? दिस आर्क, दिस आर्क, अनदर आर्क इज, दिस इज अनदर आर्क। देख पा रहे हैं ना? दिस इज अनदर आर्क एंड नेक्स्ट वन इज दिस इज अनदर आर्क।
थ्री आर्क्स आपको दिख रहे हैं, कौन कौन से आर्क हैं, कौन कौन से आर्क दिख रहे हैं आपको? आर्क ए बी, आर्क बी सी, आर्क आर्क कौन से दिख रहे हैं? ए सी। तीन तो इंडिविजुअल दिख रहे हैं, ठीक है ना। इन इन सर्किल को हमने तीन बार, आप देखिए कुछ अलग तरीके से देखते हैं। कौन से तरीके से? बी पॉइंट को पकड़िए, सी पॉइंट पे जाइए, तो एक अनदर आर्क बनेगा ना, ए तो बीच में आ जाएगा ना, तो आर्क हो जाएगा बी ए सी, या ए बी सी बोल सकते हैं, बी ए सी, बी ए सी हो गया। इसके बाद ए को पकड़िए, बी पे जाइए, तो एक आर्क आ जाएगा आपके पास ए सी बी, एक हो जाएगा आपके पास बी ए सी बी, आर्क सी बी ए सी बी, ठीक है, सी बी ए, या आप इसको ए बी सी बी बोल सकते। तो आपको कितने आर्क्स दिख रहे हैं इसमें? आपको कितने आर्क्स दिख रहे हैं बताइए, आपको कितने आर्क दिख रहे हैं? टोटल सिक्स आर्क दिखे, दिखे कि नहीं दिखे आप लोगों को? दिखा, टोटल सिक्स आर्क्स दिखे आपको? टोटल सिक्स आर्क्स दिखे कि नहीं दिखे? आर्क ए बी आपको यहाँ पर है, बी सी यहाँ पर है, एंड ए सी यहाँ पर है। इसके बाद अब चर्चा हो रही है ए बी सी का। ए बी सी देखिए, डी सी जी और ए बी सी, ठीक है ना, डी सी जी और ए बी सी, अनदर इज ए सी बी, डी सी जी और अनदर डी सी जी, और इसको मैं ए सी बी, डी सी जी अनदर, एंड बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी, कुछ सिक्स आर्क्स आपको यहाँ पे दिखे, ठीक है, सिक्स आगे देखने। अब इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पे जाते हैं, सेकेंड क्वेश्चन पे अब हम लोग जा रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर आर्क बीसी का एंगल है सबटेंडेंट एंगल 110 डिग्री, तो इस फिगर में थोड़ा सा मैं ड्रॉ करता हूँ दिस फिगर, आर्क बीसी यानी डी सी जी और बी एन सी, बी एन सी, डी सी जी और बी सी, एंड अनदर इज ठीक है आर्क बीसी का एंगल है, दिस इज एंगल 110, एंड ए बी आर्क ए बी का एंगल है 125, 125। तो आप बताइए कि आर्क ए सी का कितना एंगल होगा? आर्क ए सी का बताइए, मतलब एम का मतलब हुआ एंगल, एम का मतलब मेजर ऑफ, मतलब कि एंगल्स को हम लोग बता रहे हैं, बताइए कितना होगा। देखिए एक सर्किल में सेंटर पे कितना एंगल सबसे होता है? 360, 360 माइनस इन दोनों एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे 125 प्लस 110, तो दिस बिकम्स 125। तो हमने आर्क एसी निकाल दिया, हमने क्या किया, आर्क एसी निकाल दिया। आर्क एसी कितना हो गया? 125 डिग्री एंगल सब्सटेंड कर रहा है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि आर्क एबीसी, आर्क ए बी सी को हम लोग निकालेंगे, आर्क ए बी सी को हम लोग निकालेंगे, तो और सारे आर्क ए बी सी को हम लोग निकालेंगे, आर्क ए बी सी, आर्क ए बी सी, इसका मतलब यह हुआ कि कुछ हमारा आर्क इस तरीके से होगा, अब ए बी सी आर्क क्या होगा कि इन दोनों को ऐड कर देंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा 125 जोर 110, दिस बिकम्स 235, 235 हमारा आर्क आ गया। एंड इसके बाद बी ए सी भी मैं निकालना चाहता हूँ, ये जितने भी आर्क्स हैं इन बारी बारी को हम लोग निकालना है। अब हमने क्या किया, ए बी सी को निकाल डाला 235 डिग्री, एंड
एसीबी यानी एसीबी दिस आर्क को निकालना है, एसीबी आर्क को। ये कितना आया था हमारा 125। तो आर्क एबीसी, मेजर ऑफ आर्क एसीबी कितना है 125 जोर 110 इक्वल टू 235 डिग्री। 235 डिग्री, दिस इज योर 235 डिग्री। दिस इज योर 235 डिग्री। अब हमारे पास बी ए सी यानी दिस एंगल, दिस मतलब इस क्वेश्चन को मैं, और बी ए सी हमसे पूछा जा रहा है, तो बी ए सी मतलब कि दिस दिस एंगल, ठीक है, दिस एंगल के बारे में पूछा जा रहा है। तो आर्क ओ बी सी कितना था, आर्क बी सी हमारा कितना था, आर्क बी सी हमारा कितना था, बी सी 110 है, तो ये कितना हो जाएगा 360, 360 माइनस 110 डिग्री, तो दिस बिकम्स 250 डिग्री। तो ये आपका आर्क बी सी हमने निकाल लिया, ठीक है। आर्क तो हमने सारे जितने भी आर्क्स थे उनका कैलकुलेशन कर लिया। यहाँ तक क्लियर है, ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को, जो एग्जांपल है या क्वेश्चन समझ में आया, आया कि नहीं आया बताइए। हाँ ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। देखिए इन दिस फिगर, जो आपके पास एक फिगर दिया हुआ है कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, इसमें एक सर्किल है और सर्किल के अंदर एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल्स के जो 4 पॉइंट्स हैं पी क्यू आर, वो क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं इस सर्किल को, इस सर्किल को टच कर रहे हैं, क्लियर है ना, इस सर्किल को टच कर रहे हैं दिस 4 पॉइंट्स, दिस 4 पॉइंट्स टचेज द सर्किल्स, ओके। और दोनों पॉइंट्स, 4 पॉइंट जो है रेक्टेंगल पे भी हैं और सर्किल पे भी हैं। इन इन दिस फिगर रेक्टेंगल पी क्यू आर एस इन स्क्राइब ए सर इन ए सर्किल विद सेंटर टी, और इसका सेंटर क्या है हमारा, टी सेंटर है, टी जो है हमारा सेंटर है। प्रूफ दैट, प्रूफ क्या करना है, आर्क पी क्यू जो हमारा आर्क पी क्यू है, दिस इज योर पी क्यू आर्क कॉन्ग्रुएंट टू एस आर आर्क, दिस के कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल लेंथ का है, और एंगल जो सबस्टेंड होगा वो इक्वल होगा। एंड आर्क एस पी क्यू, दिस इज एस पी क्यू कौन सा है हमारा, एस पी क्यू जो है हमारा, दिस इज योर एस पी क्यू जो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, दिस इज योर एस पी क्यू। एंड पी क्यू आर आपके पास, दिस इज योर पी क्यू आर, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, और धीरे धीरे सारे जो भी आपके पास क्वेश्चंस हैं इस कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। तो जो कॉल्ड पी क्यू है, जो हमारे पास कॉल्ड पी क्यू है, तो वही सिमिलर होगा, किसके सिमिलर होगा, दिस इज सिमिलर टू द, दिस इज द सिमिलर टू द एस आर, एस आर के सिमिलर होगा। ये जो हमारा पी क्यू कॉर्ड है, जिस इज पी क्यू कॉर्ड इज सिमिलर टू द एस आर। सिमिलर है क्यों, सिमिलर है क्योंकि ये रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी है कि बोथ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इक्वल होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये तो समझ आ गया मेरे को, पी क्यू जो है ये पी क्यू एंड एस आर आर जो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो है,
इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे आर्क बनेंगे, क्योंकि कॉर्ड एक कॉर्ड के कोरस्पॉन्डिंग एक ही तो आपका आर्क बनेगा, तो ये भी क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। पीएस जो हमारा पीएस है एंड क्यूआर जो है, ये भी अपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल है, ये भी क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे, ये भी क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। और तो इसका मतलब एसपी जो है हमारा, दिस इज एसपी, एसपी कॉर्ड एंड क्यूआर कॉर्ड आल्सो बिकम्स कॉन्ग्रेंट। अब बात आ रही है एसपीक्यू, एसपीक्यू एंड पीक्यू आर जो कॉर्ड है उसको कैसे निकालेंगे। जो कॉर्ड जो है एंगल सबटेंडेड बाय एसपी, यहाँ पे जो एंगल दिस एंगल सबटेंड करेगा, दिस इज एसपी आर्क एंगल, एंड जो पीक्यू जो है दिस एंगल, जो पी क्यू जो है दिस एंगल, इन दोनों को समेशन करेंगे, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि पी क्यू जो होगा हमारा, कि आर्क ऑफ पी क्यू का आर्क प्लस क्यू आर मतलब कि इन दोनों के आर्क के समेशन के बराबर होगा, तो यहाँ से ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें आपको सीधी सा दिख रहा हो, आप तो देखने के हिसाब से समझ गए हैं कि ये कॉन्ग्रेंट है, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, लिखने के लिए एक दो बार आपको प्रैक्टिस ये करना पड़ेगा, ठीक है, इसको आपको करना पड़ेगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है तो बताइए। यहाँ तक क्लियर है बताइए। मेरी वॉइस आ रही है? यस यस चौधरी, आपको समझ में आ रहा है? धीरज, अनुज, ओके, ओके। तो अब हम लोग कुछ पॉइंट्स को रिकॉल कर लेते हैं। द एंगल हुज वर्टेक्स इज एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड ए सेंट्रल एंगल। इसका मतलब क्या हुआ कि द एंगल हुज वर्टेक्स इज एट सेंटर ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल, जिसको हमने डिस्कस किया था। डिफिनीशन ऑफ मेजर ऑफ एन आर्क, द मेजर ऑफ ए माइनर आर्क इज द मेजर ऑफ इट सेल्फ सेंट्रल एंगल। मेजर ऑफ ए मेजर आर्क इक्वल टू 360 माइनस मेजर ऑफ इट्स कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंगल आर्क, एंड मेजर ऑफ सेमी सर्किल इज 180 डिग्री। थर्ड पॉइंट इज व्हेन टू आर्क आर एट द सेम रेडियस एंड सेम मेजर देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। व्हेन मेनी वन पॉइंट सी इज कॉमन टू आर्क ए बी सी एंड आर्क सी सी डी ई ऑफ द सेम सर्किल, देन आर्क ए बी सी प्लस आर्क मतलब मेजर ऑफ आर्क सी डी ई इक्वल टू ए सी ई, मतलब जो भी हमने मैथमेटिकल चीज़ें समझा उसको यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा हुआ है। कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि लैंग्वेज में लिखा हुआ है समझ में नहीं आ रहा। जितने भी चीज़ें आपने की है, जैसे एंगल को मेजर किया और आपने लिखा, वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, ठीक है, वही यहाँ पे एक जगह पे लिखी गई हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं और फिर प्रोसीड करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए दिस इज योर क्वेश्चन, इसको आप लोग इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आप लोग, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, सॉल्व कीजिए इसको।
मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, इसको सॉल्व कीजिए या सॉल्व करने की ट्राई कीजिए, कोशिश तो कीजिए। इसको ट्राई कीजिए और बनाइए आप लोग, कुछ तो आंसर दीजिएगा। ओके, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो इस फिगर में आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। कौन साइक्लिक पॉइंट्स ऑफ ए सर्किल विथ सेंटर सी? तो दिस इज योर जी पॉइंट, दिस इज योर डी पॉइंट, दिस इज योर ई पॉइंट एंड दिस इज योर एफ पॉइंट। एंड मेजर ऑफ एंगल ई एफ सी, ओके, आपके पास एक एंगल मेजर किया हुआ है ई सी एफ, मतलब दिस एंगल, दिस एंगल इज, दिस एंगल इज। दिस एंगल इज 70 डिग्री, ओके फाइन, दिस एंगल इज 70 डिग्री, 70 डिग्री। एंड एंगल ऑफ आर्क ऑफ डी जी एफ, डी जी एफ इट मीन्स दिस एंगल, डी जी एफ। आर्क, इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास दिस एंगल, डी जी एफ मतलब कि ये एंगल, दिस एंगल इज 200 डिग्री। देन फाइंड द डी ई, व्हाट इज दिस एंगल, आप बताइए, ये तो इतना आसान क्वेश्चन है। व्हाट इज दिस एंगल, 360 माइनस 200 प्लस 70, दिस बिकम्स आई थिंक 90, नो 360 यानी 110 डिग्री, 110, 360
270 40 सॉरी 90 डिग्री, तो दिस बिकम्स 90 डिग्री, तो दिस बिकम्स 90 डिग्री. व्हाट इज द मेजर ऑफ आर्क डी ई एफ, डी ई एफ, ओके डी ई एफ, दिस बिकम्स 90 प्लस 70, 160 डिग्री, 160 डिग्री, 160 डिग्री, 160 डिग्री, ओके. दिस इज द मेजर ऑफ आर्क इज 160 डिग्री. समझ में आया कि नहीं आया? अनुज धीरज, यस. ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है. दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन. इसको सॉल्व करें, और सॉल्यूशन आप लोग अप्रोच भी नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन का. क्वेश्चन बनाइए तो सही, कैसे इसको बनाइएगा तो अपने आप समझ में आएगा. इसको बनाइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए. इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना? इसके अंदर में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 60 डिग्री से कुछ ना कुछ लेना देना है. समझ पा रहे हैं ना? एंगल 60 का यहाँ पर कुछ कंसेप्ट आएगा, तो इसको मान के बनाइए और इसको सॉल्व कीजिए आप लोग. मैं आपको टाइम इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग अप्रोच करें, और अप्रोच करेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि कहाँ पे आपने गलती की है, तो उसको आप लोग रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है? तो इसको बनाइए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 4 मिनट्स का, ठीक है? प्रूफ, वैसे प्रूफ करना है तो प्रूफ मैं बताऊंगा, लेकिन कुछ सोचिए आप लोग कैसे इसको, मतलब कि कुछ तो स्टेटमेंट कमेंट बॉक्स में लिखिए. बहुत आसान है, आप इसको बना सकते हैं. ओके गुड धीरज, ओके. ओके देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मालूम है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो भी साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है ना? सेम होंगे. तो ये जो कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड है, ये क्या होगा यहाँ पे, इसका जो यहाँ पे जो एंगल सस्टेंड होगा, यहाँ पे जो एंगल सस्टेंड होगा क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है?
और तो ये मैं मान लेता हूं कि क्या होगा कि ये एक्स डिग्री सब्सटेंड कर रहा हूं, एक्स डिग्री, दिस इज ऑल्सो एक्स एंड दिस इज ऑल्सो एक्स, तो इसका मतलब यह हुआ, और दिस इज ओ पॉइंट, एंगल क्यू ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस बिकम्स बिकम्स 360 डिग्री, दिस इज एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स बिकम्स 360 डिग्री, एंड 3x इक्वल टू 360, सो एक्स इक्वल टू 120 डिग्री, 120 डिग्री, ओके, तो एक्स इक्वल टू 120 डिग्री आपका आया, ठीक है, एक्स इक्वल टू 120 डिग्री आपका आया। इसके बाद एक्स इक्वल टू 120 डिग्री आपका आ चुका है, तो एक्स इक्वल टू 120 डिग्री, दिस बिकम्स 120 डिग्री, दिस बिकम्स ऑल्सो 120 डिग्री, तो व्हाट इज द आर्क ऑफ क्यू आर एस, क्यू आर एस, दिस आर्क का लेंथ क्या होगा, दिस आर्क का लेंथ क्या होगा, दिस आर्क का लेंथ क्या होगा, इसमें जो आप देख पा रहे हैं मेजर ऑफ आर्क क्यू आर प्लस मेजर ऑफ आर्क आर एस, इन दोनों का क्या होगा, 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री बिकम्स 240 डिग्री, 240 डिग्री एंगल्स होगा, ठीक है, ये आपका एंगल आएगा। तो ये भी प्रूफ आपने कर दिया, यहाँ से भी इसको आपने प्रूफ किया कि ये दोनों क्या होंगे, कौन होंगे, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, क्लियर हुआ आप लोगों को, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए। एक क्वेश्चन आपके लिए है, दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन, इसको आपको घर से सॉल्व करना है, ये इस क्वेश्चन को आपको घर से सॉल्व करना है, थर्ड क्वेश्चन को घर से आप सॉल्व कीजिएगा, नहीं अगर आएगा तो मैं इसको बता दूंगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना, थर्ड क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, ओके। तो अब हम लोग आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, ये कुछ और चीजें हैं जिसको हम लोग सीखेंगे। देखिए, वी हैव लर्न सम प्रॉपर्टीज रिलेटिंग रिलेटिंग टू ए सर्किल एंड पॉइंट्स एज वेल एज लाइंस टेंजेंट, नाउ लेट अस लर्न सम प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग सर्किल एंड एंगल्स विद द हेल्प ऑफ सम एक्टिविटी, ठीक है, कुछ हम लोग देखने वाले हैं। देखिए मैंने बताया ना, मैथमेटिक्स में ऑब्जर्वेशन के बाद हम लोग कैलकुलेशंस पे आते हैं, कुछ चीजें ऑब्जर्वेशन से देखी जाती है, इसमें क्या क्या बहुत सारे लाइंस ड्रॉ करके उन्होंने देखा कि कुछ रिलेशंस आ रहे हैं, उस रिलेशंस को उन्होंने जनरलाइज किया, उसको उन्होंने इसको में थ्योरम की मदद से उसको आसान बनाने की कोशिश की। तो सबसे पहले एक्टिविटी के माध्यम से आप यह सीखेंगे कि यह इसका कंसेप्ट आया कहाँ से, जो चीजें आप पढ़ने वाले हैं, तो ड्रॉ ए लार्ज सर्किल ऑफ एनी रेडियस, आपने क्या किया सबसे पहले कि एक बड़े साइज का लार्ज सर्किल ड्रॉ किया, ठीक है, सर्किल ड्रॉ किया, जैसे फॉर एग्जांपल यहां से मैं क्या कर रहा हूँ, यहां से ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, सपोज ये आपके पास एक सर्किल है, इसको आप लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ये इस सर्किल, मैं इसको और ये आपके पास सपोज सर्किल है, मैंने इसको थिन कर दिया है ताकि आपको आसानी होगी समझने में,
ओके, ये चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं कि इसके बाद मैं कर रहा हूं कि एक सर्किल ड्रॉ किया, इसके बाद कॉर्ड ए बी को ड्रॉ किया। इसको मैंने क्या किया, यहाँ से ए बी ड्रॉ किया। देखिए इस तरीके से ए बी हमने ड्रॉ किया, ए बी हमने ड्रॉ किया, ठीक है। और एंड सेंटर एंगल इज ए सी बी, दिस इज योर ए सी, ए सी ये आपका सेंटर एंगल है, दिस इज योर, इस कॉर्ड के माध्यम से ये आपका एंगल आया। टेक एनी पॉइंट्स डी ऑन द मेजर आर्क, डी जो है मेजर आर्क पे, डी जो है मेजर आर्क पे एक डी पॉइंट लिया, ठीक है, डी पॉइंट लिया। एंड पॉइंट ई, पॉइंट ई पे एक मैंने मेज दूसरा पॉइंट लिया। मैंने क्या किया कि एक कॉर्ड यहाँ पे ड्रॉ किया, कॉर्ड के एक अनदर साइड में पॉइंट लिया और एक इधर साइड में पॉइंट लिया, पॉइंट डी एंड पॉइंट ई, ठीक है। अब हम लोग कुछ एंगल मेजर कर रहे हैं, मेजर एंगल ए डी बी, इस एंगल को आप मेजर करें, ठीक है, इस एंगल को आप मेजर करेंगे, और ए सी बी इस एंगल को आप मेजर कीजिए, इन दोनों को मेजर कीजिए पहले। तो आप और क्या करना है, ए डी सी, दिस इज योर ए डी सी, मतलब कि आप सबसे पहले आपने क्या किया, इस एंगल को मेजर किया। अब आपके पास कुछ इस तरीके का, 1 मिनट, ये एंगल, ठीक है ना, दिस एंगल, ये एंगल आपके पास है एक, और एक अनदर एंगल इज ए ई बी, ठीक है ना, इस एंगल को आप मेजर कीजिए। 1 मिनट, कुछ मिस्टेक किया हूं मैंने। आपको क्या करना है कि सबसे शुरू से इसको देखिए, सबसे पहले आपको इस एंगल को मेजर करना है, ए डी बी, ए डी बी को आपने मेजर किया, इसके बाद एंगल ए ई बी, अब इसको मेजर कीजिए। मेजर करने के बाद हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशन देखने वाले हैं, वो ऑब्जर्वेशन क्या है वो यहाँ पे देखने वाले हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि टेक पॉइंट एफ जी एच ऑन आर्क ए डी बी, हमने क्या किया कि इस आर्क पे ये एक्टिविटी है एक्चुअली में, तो एक्टिविटी तो करना होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ, नहीं तो फिजिकली अगर मैं प्रेजेंट होता तो मैं आपको कराता, लेकिन इसको मैं समझा रहा हूँ ताकि जितना हो सके आप इसको समझ लें, ठीक है। अब देखिए इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि एफ जी एच हम लोग पॉइंट ले रहे हैं, एफ जी एच, एफ जी एच, एफ जी एच किस आर्क पे, ए डी बी आर्क पे, ए डी बी आर्क पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एफ जी एच पॉइंट हम लोग ले रहे हैं, एफ जी एच पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या किए, हम अब एंगल्स को मेजर कर रहे हैं, एंगल ए एफ बी, ए एफ बी, देखिए ए एफ बी दिस एंगल को मेजर किया, इसके बाद ए जी बी, ए जी बी, ए जी इस एंगल को मेजर किया, इसके बाद ए एच बी इसको मेजर किया, इस सारे को मेजर, एच बी मेजर किया बारी बारी से। कंपेयर दिज मेजर विथ ईच अदर एज वेल एज इट्स मेजर ऑफ ए डी बी, मतलब कि सब आप नोट डाउन कर रहे हैं और इसको आप लिखते जा रहे हैं, ठीक है ना, इसको आप लोग लिखते जा रहे हैं। ये एक्चुअली में इसको आप टेंशन नहीं लेना है, ये आप समझ जाएंगे, अगर आप इसको एक्टिविटी आप रियल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। टेक एनी वन पॉइंट ऑन आई ए ई बी, अब ए ई बी हमको देखना है, आई एक पॉइंट लिया यहाँ पे, इसके बाद मेजर ए आई बी, ए आई बी दिस एंगल, इसको हम लोग को मेजर करना है ए आई बी, एंड कंपेयर विथ इट ए ई बी, ए ई बी से हमको कंपेयर करना है। तो कंपेयर आप करेंगे तो कुछ कंक्लूजन्स निकलेगा और जिसको हम लोग थ्योरम के माध्यम से समझ लेंगे। देखिए इस ऑब्जर्वेशन को थ्योरम आगे दे दिया जाएगा कैसे क्या होगा।
अब देखिए, फ्रॉम दी द एक्टिविटी यू मस्ट हैव नोटिस्ड इन, जब आप ये सारी चीजें करेंगे तो आपको कुछ देखने को मिलेगा। एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, ए सी बी, दिस इज एंगल ए सी बी, दिस एंगल इज ट्वाइस ऑफ ए डी बी, ए डी बी। तो ये जो एंगल है, दिस एंगल, ये अगर 20 डिग्री है तो ये कितना होगा, 40 डिग्री होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो ये क्या होगा, सपोज 90 तो 180 होगा, कुछ इस तरीके से, समझ पा रहे हैं ना। तो अगर ये अगर आपका 45 होगा तो ये 90 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक कंक्लूजन आपको निकला इस फिगर के माध्यम से। सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ए डी बी, ए डी बी देखते हैं, ए डी बी, दिस एंगल एंड ए ई बी, दिस एंगल, इन दोनों का समेशन जो होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। दिस इज योर पॉइंट एंड द एंगल्स ए एच बी, दिस एंगल ए एच बी, दिस ए एच बी एंड एच बी एंड ए डी बी, ए डी बी, मतलब इस तरीके से। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो एंगल है कुछ इस तरीके से, आप समझ पाएंगे 1 मिनट, कि यहाँ पे जो एंगल्स हैं ए एच बी एंड डी ए बी, ये एंगल एंड अनदर इज दिस एंगल, अनदर इज दिस एंगल, ठीक है। तो अगर सपोज ये एंगल 40 डिग्री है, दिस एंगल इज 40 डिग्री, तो दिस ऑल्सो 40 डिग्री, दिस ऑल्सो ग्रीन कलर इज 40 डिग्री एंड दिस ऑल्सो इज 40 डिग्री, ठीक है ना। ये सारे 40 40 40 40 डिग्री हो गए। तो ये चीजें आप ऑब्जर्व करेंगे। इसके बाद मेजर ऑफ ए ई बी, दिस एंगल एंड ए आई बी आर इक्वल, उसी तरीके से दिस ऑल्सो बिकम्स इक्वल। कुछ समझ में आया है ना, अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। क्लियर है ना, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है यहाँ तक। ये एक्चुअली मैं आपका एक्टिविटी है, और एक्टिविटी से आप लोग बहुत सारी चीजें एनालाइज करते हैं, तो उस एनालाइजेशन को मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। तो आप आई थिंक घर पे आप इसको करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड एक्टिविटी है, ड्रॉ वे सफिशेंटली लार्ज सर्किल विद सेंटर सी। एक सेंटर सी माध्यम से एक हमने सर्किल ड्रॉ किया है, सर्किल ड्रॉ किया है, ड्रॉ एनी डायमीटर पी क्यू, पी क्यू डायमीटर, हमने इस पी क्यू डायमीटर के माध्यम से हमने एक सर्किल ड्रॉ किया। नाउ टेक आर एस टी, आर एस टी ऑन बोथ द सेमी सर्किल्स, सेमी सर्किल्स से क्या करना है हमको कि हमको एक, नाउ टेक ए पॉइंट आर एस टी, आर एस टी हमने पॉइंट लिया है और मेजर कर रहे हैं क्या, पी आर क्यू, पी आर क्यू, पी आर क्यू हमने सपोज दिस इज योर, 1 मिनट, दिस इज योर पी आर क्यू, पी आर क्यू, पी आर, पी आर क्यू, पी आर क्यू, ये हो गया हमारे पास। पी एस क्यू तो आपको दिख ही रहा है, पी टी क्यू, पी टी क्यू, दिस एंगल। तो आप देखेंगे कि ये क्या है, कि ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, ये एक ऑब्जर्वेशन है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास ऑब्जर्वेशन है। अब देखिए, इसके बाद आज यहीं तक मैं रहने देता हूँ,
और नेक्स्ट क्लास से इससे यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे. ओके, इन स्क्राइब एंगल, इन स्क्राइब एंगल. ओके, क्लियर है? तो आपका होमवर्क क्या रहेगा? होमवर्क आपका रहेगा प्रैक्टिस सेट 3.3 आपको पूरा बनाना है. प्रैक्टिस सेट 3.3 आपको पूरा बनाना है. क्लियर? क्लियर है कि नहीं है? तो आप लोग प्रैक्टिस सेट 3.3 इसको पूरा कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. ओके, आज का जो भी हमने पढ़ाया आपको समझ आया ना, तो उस एक्टिविटी को आप लोग करिएगा जरूर, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. और आगे तो नेक्स्ट क्लास में थ्योरम को डिस्कस करेंगे ही हम लोग. क्लियर है ना? तो आपका होमवर्क रहेगा प्रैक्टिस सेट 3.3. ओके ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू ऑल.